हे गाइस, वेलकम बैक टू वीटीच क्रिएटर्स चैनल। तो सबसे पहले सॉरी, क्योंकि पहला वाला वीडियो जो था वो काफी लेंदी हो गया था, इसलिए सेकंड पार्ट बनाना पड़ा मुझे। तो अगर आपने पहला वाला पार्ट नहीं देखा है वो जरूर देखना, क्योंकि उसके बेसिस पे ये सेकंड वाला पार्ट है। अगर वो नहीं देखोगे तो ये आधा ही समझेगा, वो आधा समझेगा, ऐसा उल्टा सुलटा हो जाएगा पूरा। तो उससे अच्छा वो वाला पहला देख लीजिए, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में साइड में आई बटन पे आपको मिल जाएगा। वो वाला पहला देखना, बाद में इधर आ जाना, ठीक है? तो इधर आने के बाद सपोज वो वाला देख के इधर आए हो, तो पिछले वाले वीडियो में मैंने डैशबोर्ड, कैंपेन एक्सप्लोरर और उसके बाद रिपोर्ट्स, ये तीन सेक्शन वहां पे कवर कर लिए थे। इंस्टॉलेशन एंड रिसोर्स सेंटर हम लोग अगले वाले पार्ट में करेंगे, क्योंकि वहां पे वेबसाइट के बारे में बताने वाला हूँ मैं आपको। वहां पे वेबसाइट इंस्टॉलेशन है, तो वाला पार्ट जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये पर्टिकुलर वीडियो में रेफर एंड अर्न और अकाउंट बताने वाला हूँ, जहां पे रेफर एंड अर्न में बताऊंगा कुछ तो अलग, अकाउंट में बताऊंगा आपको पेमेंट प्रूफ जो बैंक में पैसा चला गया उसके बारे में। तो चलिए रेफर एंड अर्न में चले जाते हैं। सबसे पहले रेफर एंड अर्न के बारे में बता दूं मैं आपको। तो यहाँ पे बेसिकली क्या रहता है क्यूलिंग्स का, अगर आप किसी बंदे को रेफर करते हो, मतलब सपोज आपने किसी एक बंदे को क्यूलिंग्स के बारे में रेफर कर दिया और वो अच्छा खासा सेल कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, ठीक है, उसको करने दो, आपको जो है वो आपको भी उसका जो कुछ हिस्सा है वो मिलेगा। मतलब वो बंदा जितना कमाता है उसका 25% आपको मिलेगा नेक्स्ट 3 मंथ तक। मतलब उसने रजिस्टर करने के बाद, सपोज उसने जून में रजिस्टर किया, तो जून, जुलाई, अगस्त, ये 3 महीने में जितनी भी अर्निंग वो बंदा करेगा ना, उसका 25% आपको पैसा जो है वो मिल जाएगा। तो ये बहुत अच्छी खासी चीज है क्यूलिंक्स की, जो कि आपको नहीं मिलेगी फ्लिपकार्ट एफिलिएट मार्केटिंग पे या फिर अमेजोन एफिलिएट मार्केटिंग पे। तो ये बहुत अच्छी खासी चीज यहाँ पे क्यूलिंक्स लेके आता है अपने एक ये डैशबोर्ड में या फिर प्लेटफॉर्म पे, कह सकते हो, ठीक है। तो ये रेफर एंड अर्न का इतना ही था और कुछ नहीं। यहाँ पे लिंक आप उठा सकते हो, कॉपी करके अपने जिधर भी आपको जिसको भी शेयर करना है वो बंदे को शेयर कीजिए। आपको 25% उसका नेक्स्ट 3 महीने तक आता रहेगा। अगर वो बंदा कुछ अर्निंग करता है तो ही आएगा, अगर वो कुछ नहीं करता तो आपको कुछ नहीं आएगा। उसके बाद अकाउंट में आ जाते हैं। अकाउंट में यहाँ पे आपको ये सारी चीजें मिलेगी, माई प्रोफाइल, माई सब्सक्रिप्शन, लिंक मैनेजर, माई पेमेंट डिटेल्स। तो ये चीजें सब बकवास है, माय प्रोफाइल, माय सब्सक्रिप्शन और लिंक मैनेजर, ये सारी, क्योंकि वो जो बंदा जिसका अकाउंट है ना उसके लिए वो चीजें ठीक है। तो माय पेमेंट डिटेल्स, ये सबसे मेन चीज है, यहाँ पे आपको पेमेंट डिटेल्स पता चलेंगी। तो सपोज अगर आपने क्यूलिंक्स पे कुछ अर्निंग कर ली है, यहाँ पे पेएबल में आपको कुछ ना कुछ दिखा रहा है, और अगर आपको अभी बैंक अकाउंट में डालना है तो माय पेमेंट डिटेल्स में आके आपको पेमेंट डिटेल्स पूरी भरनी है। वो एंटर करने के बाद आपको पैसा जो है डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तो वहां पे आपके पास क्या होना चाहिए, बस आपका जो डिटेल्स लगता है जैसे कि अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, वो सारी डिटेल्स आपको माय पेमेंट्स डिटेल्स में आके एंटर करनी है। तो वो मेरा पुराना ही है, बहुत सारा, बहुत टाइम पहले वो मैंने सब कर लिया था, वो सारी चीजें एंटर कर दी थी और मेरा पैसा आ चुका है। तो वो अभी मैं मैन्युअली आपको दिखा नहीं सकता, तो माय पेमेंट डिटेल्स पर डायरेक्टली हम लोग क्लिक कर देते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे आ चुके हैं हम लोग पेमेंट डिटेल्स के पेज पे। यहाँ पे कुछ चीजें आपको जो है वो मैं ब्लर करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि बहुत सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, वो आपको दिखा नहीं सकता। बट यहाँ पे ये वाला पर्टिकुलर टैब है वो ओपन है, आप देख सकते हो ऑल इनवॉइसेस करके। यहाँ पे कुछ चीज जो है मैंने ब्लर करके रखी है, बट यहाँ पे पेड 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 करके आप देख सकते हो, यहाँ पे 5,000, यहाँ पे 500 रुपए और यहाँ पे 1,100 रुपए। ये पर्टिकुलर पैसा जो है मैंने क्यूलिंग से निकाला हुआ है अभी तक, जो मेरे बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो चुका है। तो आपने पहले थोड़े लास्ट के वीडियो में अगर आपने देखा होगा पूरा, तो वहां पे मैंने दिखाया था कि 33,000 रुपीज टोटल अर्निंग की थी मैंने। तो उसमें जो है ये पर्टिकुलर लास्ट 30 डेज का भी इनकम था, वो 9,000 उसमें से हटा लीजिए तो लगभग 22,000 रुपए कमा लिए थे। उसमें से कुछ इतना पेमेंट जो है मेरे बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो चुका है, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, लिंक थ्रू जाते तो है, खरीदी भी करते हैं, आपके इसमें कमीशन भी आ जाता है। यहाँ पे दिखा देता है कि 10,000 12,000 आपने कमा लिया है, बट वो बंदा कैंसिल करता है तो आपका वो पैसा कम होता जाता है। तो यहाँ पे ये 5,000 रुपए आप देख सकते हो ना, इसमें से टोटल मेरे को कितना दिखा रहा था बताए, सीरियसली 10,000 रुपए दिखा रहा था वो। तो 10,000 रुपए में से कैंसिल होके जो पैसा कट होके वो 5,000 रुपए, खाली 5,500 रुपए मेरे इसमें आए हैं। बट यहाँ पे जेन्युइन वेबसाइट है ये पर्टिकुलर क्यूलिंक्स का प्लेटफॉर्म, आपको पैसा गारंटेड आपको यहाँ पे मिलता रहता है। तो यहाँ पे ये तीन पेमेंट्स है जो मेरे बैंक अकाउंट में आ चुके हैं। तो पेमेंट्स लेने के लिए कुछ नहीं, वो बेसिक बैंक की डिटेल्स आप डाल देना, आपका पैन कार्ड, ये लोग पूछ सकते हैं पैन कार्ड, आधार कार्ड, वो सारी भी आपको चीजें एंटर करना होगा, क्योंकि आपका टैक्स कट के वो सारी चीजें कट के तो जो पैसा रहेगा वो आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है। तो इन लोगों का पेमेंट कब का होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो पेमेंट जो है नॉर्मली 5th को होता है, हर मंथ के 5th को, मतलब सपोज फेब में हो रहा है तो फेब के 5th डेट को आपका जो पेमेंट आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। या फिर अगर 5th को नहीं होता तो आगे पीछे भी हो जाता है, कभी हॉलीडेज आते हैं तो 10 11 12 तारीख कभी भी आपका पेमेंट जो है डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। आपको बैंक की तरफ से मैसेज भी आ जाएगा, क्यूलिंक्स की तरफ से कुछ नहीं आता वैसे, बट यहाँ पे आके आप देख सकते हो माय पेमेंट डिटेल्स में कि पैसा आपके बैंक अकाउंट में चला गया है नहीं। बट यहाँ पे एक बात ध्यान में रखना, जो आप इनवॉइस यहाँ पे रेस करोगे, मतलब जो डिटेल्स आप एंटर करोगे वो सब प्रॉपर डिटेल्स करना एंटर, क्योंकि ये लोग क्रॉस वेरीफाई नहीं करते कि प्रॉपर अकाउंट है या नहीं, डायरेक्टली पैसा सेंड कर देते हैं। तो अगर आपने गलत
कुछ भी एंटर किया ना अकाउंट नंबर, तो आपका पैसा जो है आपके बैंक अकाउंट में नहीं आएगा। तो बस दोस्तों इतना ही था इस वीडियो में, इसी बारे में आपको बताना था। ये दो चीजें लास्ट वीडियो में मैंने कवर नहीं की थी, रेफर एंड अर्न और अकाउंट के बारे में, तो वो पर्टिकुलर चीजें मेरे को इस वीडियो में एंटर जो है कवर करनी थी, पेमेंट प्रूफ भी दिखाना था, इसलिए अलग से वीडियो बना लिया। तो इसके बाद इंस्टॉलेशन और रिसोर्स सेंटर, इसके बारे में नया एक वीडियो लेके आएंगे हम लोग डिटेल में, जहां पे मैं आपको बताऊंगा कि वेबसाइट पे आप किस तरह से प्रमोट कर सकते हो अपने एप्लीकेशन, सॉरी अपने प्रोडक्ट्स, या वहां पे डायरेक्टली कैसे विजेट्स जो रहते हैं वो क्रिएट कर सकते हो, वो सारी चीजें वो नए वीडियो में डिस्कस करेंगे यार। तो अभी प्लीज ये वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे सारे वीडियोस देख लेना, वहां पे एफिलिएट मार्केटिंग के भरदौल वीडियोस मैंने बनाए हैं, वो सारे आप देख सकते हो। उसके साथ ही साथ आने वाले फ्यूचर वीडियोस में हम लोग एडसेंस के बारे में, यूट्यूब के बारे में, कैसे बहुत अलग अलग जगह से आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हो, वो सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।